हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि मंगलवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बैठक में जो आदेश जारी किया गया था परमोट करने को लेकर के यूजी और पीजी कोर्सेज को उसमें अब कुछ बड़े बदलाव कर दिए गए हैं किस आधार पर भी बदलाव कर दिए गए हैं कौन कौन से सेमेस्टर ऐसे होंगे जिनको अब परीक्षा देनी होगी नए बदलाव के अनुसार और जो बैक पेपर है उसका किस तरीके से इन लोगों ने मैनेज किया है क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो डी में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन देखने को बनती है कि बैक पेपर की वजह से ना तो प्रमोट का निर्णय हो पा रहा है और ना ही एग्ज़ाम का तो चलिए एक बार पूरी अपडेट को देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से मैनेज करने की यहाँ पर बात की जा रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुसार तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप हेडलाइंस में देख पा रहे हैं पी प्रोफेशनल कोर्स के पहले सेमेस्टर के छात्रों को देनी होगी परीक्षा यहाँ पर पूरी बात यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा समिति ने 4 मई को जारी वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के निर्णय में बदलाव किया है परीक्षा समिति की ओर से जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि अब पीजी एवं प्रोफेशनल कोर्स के पहले सेमेस्टर के छात्रों को भी अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के साथ परीक्षा में शामिल होना होगा जबकि पीजी एवं प्रोफेशनल कोर्स के पहले और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कोरोना की स्थिति को देखते हुए जुलाई अगस्त में होंगी विश्वविद्यालय की बैक पेपर की परीक्षाओं के बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा यानी उनको ऐसे ही बीच में छोड़ दिया गया है जिनका बैक पेपर है बैक पेपर के बारे में यहाँ पर कोई इन्होंने अपना निर्णय नहीं लिया है कहा है कि बाद में देखा जाएगा इससे पहले चार मई को इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठित सहित संगठक कॉलेजों की परीक्षा को लेकर यहाँ पर जो ऑनलाइन बैठक हुई थी उसमें स्नातक दूसरे वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया था प्रवेश समिति ने तीसरे वर्ष के छात्रों को उत्तीर्ण करने का फैसला लिया था चार मई की बैठक के दौरान नाटक और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ आई के अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को भी प्रोन्नत करने पर सहमति बनी थी लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रवेश समिति ने अपने मंगलवार के आदेश में कुछ बदलाव करते हुए पीजी एवं प्रोफेशनल कोर्सेज के पहले सेमेस्टर की परीक्षा कराने की भी का भी निर्णय लिया है तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अब फर्स्ट सेमेस्टर को भी एग्जाम देने होंगे लास्ट सेमेस्टर के साथ और बैक पेपर की परीक्षा पर निर्णय इन्होंने कहा है कि बाद में होगा इन्होंने बताया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए पीजी प्रोफेशनल कोर्सेज की पहले और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई और अगस्त में कराने की वैसे तो तैयारी है जुलाई अगस्त में परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय की ओर से बैक पेपर की परीक्षाओं के बारे में निर्णय लिया जाएगा पी के अनुसार छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करके पिछली कक्षा के प्रदर्शन को आधार मानकर किया जाएगा छात्रों को इसी के आधार पर भी अंक दिए जाएंगे अब दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके सामने है कि सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग अब तेज हो गई है जैसे ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपना फैसला सुनाया और कुछ संशोधन किए अपने पहले वाले आदेश में कि सभी प्रमोट होने चाहिए उसमें अब संशोधन करके कहा गया है कि प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम कराए जाएंगे तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर छात्र संघ ने अनशन की शुरुआत कर दी है देखिए किस तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए इन छात्रों ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है तुरंत निर्णय के आते ही और डी एल एड यहाँ पर सुस्ती भरा पड़ा है देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ भवन पर छात्र संघ बहाली को लेकर छात्रों का अनशन बुधवार को भी जारी रहा यहाँ पर शामिल छात्रों का कहना है कि दूसरे छात्रों की तरह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को परीक्षा से मुक्त रखा जाए छात्रों का कहना है कि इससे अगले अगला शैक्षिक सत्र समय से शुरू हो सकेगा ये इनकी यहाँ पर मांग है और प्रमोट करने की मांग को लेकर के ये सभी छात्र जो है वो अनसन पर बैठे हैं अपनी बात को मनवाने के लिए तो जैसे ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपना फैसला थोड़ा बदला तो तुरंत ये यहाँ पर उतर गए हैं अपनी बात को मनवाने के लिए और बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए और अगर जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक like और शेयर ज़रूर करें और अपनी बातों को बताएं अपने कमेंट्स के माध्यम से कि आप क्या चाहते हैं कि डी एल एड थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट होना चाहिए या फिर एग्ज़ाम करा लेने चाहिए और यहाँ पर देखिए इन सभी छात्रों ने तो अपना नेतृत्व संभाल लिया है लेकिन आप कब संभालेंगे उसके बारे में आप ही थोड़ी सी जानकारी देंगे क्योंकि सभी आपके साथ तभी चलेंगे क्योंकि जब आप साथ एक साथ खड़े होंगे ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बिखरने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है और हाँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सोचना है कि आज 10 बजे मैं लाइव आ रही हूँ और आपके जो भी सवाल होंगे उन सभी का जवाब उसमें लाइव सेशन में दिया जाएगा तो सभी आना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ये बात ज़रूर बताएं कि आज दस बजे ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का लाइव सेशन रखा जा रहा है तो चलिए फिर मिलते हैं दस बजे तब तक के लिए नमस्कार